हे गाइस, वेलकम टू HS Tech Zone। दोस्तों, अगर आपके पास है Realme X2 तो आपके लिए एक न्यू स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आज की दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल इन्फॉर्मेशन Realme X2 के न्यू अपडेट के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या कुछ खास देखने को मिला, साथ ही जो इस अपडेट के नाम वगैरह क्या हो और क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमारी किसी भी नई वीडियो की। अब दोस्तों बात करते हैं इस जो अपडेट के बारे में। तो भाई, यहाँ पर जो अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, इस दोस्तों अपडेट का नाम है वह यहाँ पर C.14। और यहाँ पर दोस्तों ये जो अपडेट है ये केवल अभी तक एंड्रॉयड 10 पर ही वेट है। अगर दोस्तों बात की जाए इस जो अपडेट के डाउनलोड साइज की, तो इस जो अपडेट का साइज है वो है 434 MB का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी अपडेट के फीचर्स वगैरह के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस जो अपडेट की, तो भाई Realme X2 के लिए ये जो अपडेट आ चुका है जिसे दोस्तों आप यहाँ पर अब डाउनलोड कर सकती हैं या फिर दोस्तों आप अपने डिवाइस में चेक कर सकती हैं और ये आपको आपके डिवाइस में अपडेट OTA के थ्रू भी मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये अपडेट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके मैनुअली फ्लैश भी कर सकती हैं, लेकिन वो जो साइज है वो अराउंड 3 GB से अपर साइज रहने वाला, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं अपने डिवाइस में अपडेट के आने का। अब दोस्तों अगर बात की जाए इस जो अपडेट के फीचर्स वगैरह के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या कुछ खास देखने को मिला है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चेंज लॉग ओपन कर लिया है कि यहाँ पर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक फीचर की। तो भाई, यहाँ पर जो अपडेट लॉग में बताया गया सिक्योरिटी में कि यहाँ पर आपको अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलने वाला है यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर 2020 का। अगर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट फीचर की जो बताया गया है गेम स्पेस के अंदर, तो इन्होंने बताया है ऑप्टिमाइज द लॉजिक ऑफ द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ ब्राइटनेस लॉक, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्टिमाइज किया गया है ब्राइटनेस के लॉक को जो डिफॉल्ट स्टेट में रहने वाला है। उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर सेटिंग की, तो इसके बाद में तो इन्होंने बताया है एडेड ए टॉगल फॉर डिस्प्लेइंग कीबोर्ड फंक्शन व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर। तो इन्होंने बताया कि जब भी आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉगल कीवर्ड फंक्शन दिखाई देने वाला है। इसके बाद में अगर बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर बताया गया है एडेड ए टॉगल फॉर फ्रॉम सनसेट टू सनराइज ऑप्शन फॉर आई कंफर्ट। तो यहाँ पर आपके लिए एक अलग से टॉगल दिया गया है जो सनसेट से लेकर सनराइज तक रहने वाला है, जिससे जो आपके जो आइज को आराम मिलेगा, जाने के जो ब्लू लाइट वगैरह रहती है वो यहाँ पर कम कर दी जाएगी, तो वो आप यहाँ पर इनेबल कर सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर बताया है एडेड ए टॉगल फॉर द सिस्टम आइकन इन द स्टेटस बार। तो यहाँ पर जो टॉगल ऐड किया गया है स्टेटस बार में जो सिस्टम आइकन के लिए है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो बताया है कि ऑप्टिमाइज द इंटरेक्टिव मोड फॉर स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग प्रीव्यू। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट का फ्लोटिंग प्रीव्यू होता था तो उसे यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर बताया गया ऑप्टिमाइज द डाटा पैकेज लिमिट। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप अपने डाटा पैकेज की लिमिट है उसे लिमिट कर सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत इसमें कमी वगैरह थी वो यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू ऑफ द स्क्रीन ऑफ जेस्चर फीचर इन सम सिनेरियोस। तो यहाँ पर से कुछ समय ऐसा होता था जो आपके स्क्रीन ऑफ जेस्चर वगैरह हैं वो वर्क नहीं करते थे, तो वो उन्हें फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो भाई ये अलार्म में कुछ जो फिक्स वगैरह किया गया है, यहाँ पर जो अलार्म वगैरह ढंग से नहीं बोलता होगा तो उन चीज़ों को फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों ये जो अपडेट है अब आपके Realme X2 के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, इसे दोस्तों आप आराम से फ्लैश कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल ये थी इन्फॉर्मेशन Realme X2 के न्यू अपडेट के बारे में। अगर दोस्तों आपको आज के हमारे वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आपने ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।